हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षित। तो हम अपना चैप्टर कर रहे थे, पार्टनरशिप अकाउंटिंग हमने शुरू की थी लास्ट क्लास में, ठीक है। तो जो हमारा टॉपिक करंटली रनिंग था वो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आज हम शुरू करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से, कि ड्राइंग किस किस तरह से, कैसे कैसे आपको इसकी कैलकुलेशन जो है वो करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऐसा हो सकता है कि सवाल में आपको जो ड्राइंग्स की अमाउंट है वो अमाउंट दी हो, ठीक है। अगर आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो आपको ये तीन चीजें चाहिए होंगी, अमाउंट, टाइम और रेट, राइट। तो सबसे पहले सिनेरियो में क्या हो सकता है, आपको अमाउंट दी होगी, टाइम नहीं दिया होगा, रेट दिया होगा। तो आप इसको डायरेक्टली अज्यूम कर लेंगे कि जो टाइम पीरियड है वो आप इसको एवरेज 6 मंथ्स का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सपोज 10,000 रुपये की टोटल ड्राइंग दी हुई है और परसेंटेज दी है 10%, तो आप मान लेंगे कि ये 6 मंथ्स का एवरेज था, ठीक है। ये एक रूल ऑफ थम है कि अगर टाइम पीरियड आपको गिवन नहीं है तो आप उसको मानेंगे कि जो ड्राइंग्स थी आपकी वो 6 मंथ्स का एवरेज पीरियड में हमने उसको विड्रॉ किया था, राइट। चलिए अब आगे क्या हो सकता है, आगे हो सकता है कि आपको ये अमाउंट दी हो, टाइम भी दिया हो, रेट भी दिया हो, लेकिन ये जो टाइम पीरियड है ये काफ़ी सारे टाइम पीरियड हो, मतलब कभी आपने फर्स्ट मई को एक ड्राइंग कर ली, फिर आपने जून के मंथ में कर ली, फिर आपने अगस्त में कर ली, फिर सितंबर में कर ली, फिर दिसंबर में कर ली, ऐसा अलग अलग टाइम पीरियड दिया हो। तो उस केस में हम जो मेथड फॉलो करते हैं, दो मेथड हम फॉलो कर सकते हैं। एक तो मेथड होता है सिंपल इंटरेस्ट मेथड, ठीक है। दूसरा मेथड हमारे पास होता है प्रोडक्ट मेथड। सिंपल इंटरेस्ट मेथड में क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट मेथड में हम क्या करते हैं कि हर ट्रांजैक्शन का जो अमाउंट है इनटू टाइम लेफ्ट, मतलब ये जो ड्राइंग की थी हमने फर्स्ट मई को की थी या फर्स्ट अप्रैल को की थी, उसके बाद से हमारा कितने टाइम पीरियड के लिए ये इंटरेस्ट लगना है। तो अगर हमने फर्स्ट मई को ये ट्रांजेक्शन की हो फर्स्ट वाली, तो इसका जो टाइम पीरियड बचेगा वो 11 महीने का ब्याज लगेगा, ठीक है। 11 महीने का इंटरेस्ट लगेगा क्योंकि फर्स्ट मई को की है और इनटू परसेंटेज, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली अगर ये वाली जो ट्रांजैक्शन है दिसंबर में की गई है, फर्स्ट दिसंबर को की है, तो सेम अमाउंट इनटू दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, 4 महीने का जो है ब्याज लगेगा इनटू 10%, ठीक है। ये तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट मेथड में आप ये अमाउंट इनटू टाइम पीरियड लेफ्ट, ये वाला ये कर देंगे। ऐसे ही सारी ट्रांजेक्शन के लिए सेम, जो भी उस ट्रांजेक्शन का टाइम पीरियड बचा होगा, सपोज ये अमाउंट इनटू 4, ठीक है। ये सबका आप जो है सम कर लेंगे, टोटल इसका जो सम आएगा इनटू 1/12, मतलब 1 महीने का इसका इंटरेस्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इस तरह से आपके पास जो है, इस मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से आपके पास टोटल जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये इसका एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, थोड़ा आपको ज़्यादा क्लियरली समझ आ जाएगा। ये आपकी स्क्रीन पर एग्जांपल आ गया। अब इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि जो मई एक आपकी जो ड्राइंग है वो फर्स्ट मई को ही है, एक 31 जुलाई को ही है, एक सितंबर को ही है, एक नवंबर, जनवरी और मार्च, ठीक है। तो अगर हम सिंपल इंटरेस्ट मेथड फॉलो करते हैं, राइट, तो इसमें क्या होना चाहिए, अब देखिए फर्स्ट मई से कितने महीने बचे, 11 महीने, रेट ऑफ इंटरेस्ट चलिए अज्यूम कर लो इस क्वेश्चन में, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% अज्यूम कर लीजिए, इनटू अमाउंट कितनी दी है 12,000, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहता है क्वेश्चन कहता है 31 जुलाई, ये फर्स्ट मई था, इसके बाद आता है 31 जुलाई, जुलाई में कितना अमाउंट है 6,000 इनटू 8 मंथ्स इनटू 9%,
उसके बाद हमारे पास जो है ड्राइंग है वो 30th September की है, 9000 अमाउंट है, और पीरियड लेफ्ट सितंबर के बाद कितना है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने इंटू 9%। सेम जो है वो 30th November को है, 12000 इंटू 5 मंथ्स, ओ सॉरी 5 मंथ्स नहीं होगा, 4 मंथ्स, 4 मंथ्स इंटू 9%। उसके बाद जो है जनवरी 1st कितनी अमाउंट है, 8000 इंटू 3 मंथ्स, 9%। और एक ड्राइंग है आपके पास 31st March, 7000। अब अगर आप ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है वो अप्रैल टू मार्च की कर रहे हैं तो 31st March के बाद कितना टाइम पीरियड बचा, जीरो। तो इस क्वेश्चन में जो टाइम पीरियड है वो जीरो हो जाएगा, मतलब इस सवाल का, इस महीने का कोई ब्याज नहीं लगेगा इस अकाउंटिंग पीरियड में, अगले अकाउंटिंग पीरियड में लगेगा। इसका आंसर आता है 990 360 405 360 180। ठीक है, आपके पास टोटल आ गया 2295। ये तो हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट मेथड। अब इसको कंपेयर करने के लिए मैं आपकी स्क्रीन से ही हटा रहा हूँ, अगर आपको चाहिए हो तो आप उस टाइम पे वीडियो पॉज कर लेना। इस साइड देखते हैं आप प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड क्या कहते हैं, फर्स्ट में 12000 इंटू 11, 6000 इंटू 8, 9000 इंटू 6, 12000 इंटू 4, 8000 इंटू 3 एंड 7000 इंटू 0। इसका प्रोडक्ट करेंगे तो 1,32,000, 48,000, 54,000, 48, 24 और ये ज़ीरो। प्रोडक्ट आएगा 3,06,000 रुपये। अभी हमने फॉर्मूला में कैसे देखा था, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, अमाउंट 3,06,000 इंटू 1 मंथ ओवर 12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे भी आपका जो आंसर है वो सेम आ जाएगा, 2,295 रुपये, राइट। ये आपका दोनों मेथड आपको कंपेयर हो जाएंगे स्क्रीन पर, तो आप यहाँ से इसको कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई कि अगर हमें टाइम पीरियड गिवन है, ठीक है, सारी डेट्स गिवन है कि इस डेट को इतना इंटर, इस डेट को इतनी अमाउंट निकाली, इस डेट को इतनी अमाउंट निकाली। अब इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि आपकी डीड में आपने लिखा होता कि भाई हर महीने की 1 तारीख को दोनों पार्टनर, तीनों पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं वो एक फिक्स्ड अमाउंट जो है विड्रॉ करेंगे अपने घर के खर्चे के लिए, ठीक है। अब वो जो तारीख है वो ये भी लिखा हो सकता है कि महीने की शुरुआत में, महीने के बीच में, हर महीने के एंड में, हर क्वार्टर के बिगनिंग में, मिडल में या एंड में, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो आपके लिए एक शॉर्टकट है उसमें, उस केस में आप जो है इसमें इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल अमाउंट इंटू टी अपॉन 12 इंटू रेट डिवाइड बाय 100। अब इस जो ये जो फॉर्मूला है इसमें टी क्या है, इसमें टी जो है इसको हम कहेंगे ठीक है, इस ये जो फॉर्मूला है इसमें जो टी है इसकी वैल्यू होगी टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। मतलब जैसे अगर आपने
फर्स्ट जनवरी को, अगर हम जनवरी टू दिसंबर की अकाउंटिंग कर रहे हैं, फर्स्ट जनवरी को आपने ड्राइंग करी, तो उसके बाद फर्स्ट जनवरी के बाद कितने महीने बचे 31 दिसंबर तक? पूरे 12 महीने। ठीक है, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मतलब हर महीने की स्टार्टिंग में हम ड्राइंग कर रहे हैं, तो हमने एक ड्राइंग 1 दिसंबर को भी की होगी, तो इसके बाद कितना टाइम पीरियड बचा? 1 महीना प्लस 1/2, इसका आंसर आ जाएगा 6.5। ठीक है, इसी तरह से आप किसी भी सवाल में इसको निकाल सकते हैं। मैं आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं जो फिक्स एक है, अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मिडल ऑफ एवरी मंथ एंड एंड ऑफ एवरी मंथ, ये जो टी है इसकी वैल्यू कितनी होगी? बिगनिंग में होगी 6.5, मिडल में होगी 6 और एंड में होगी 5.5। एंड में 5.5 क्यों होगी? क्योंकि अगर हम एवरी मंथ के एंड में कर रहे हैं, तो सबसे पहले जो हमने ड्राइंग की वो 31 जनवरी को गई, उसके बाद बचे 11 महीने, और जो हमने लास्ट ड्राइंग की उसके बाद बचे 0 मंथ, क्योंकि 31 दिसंबर को की वो हमने, तो डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला है, ये आप अप्लाई करेंगे, इससे आपको कोई भी मिल जाएगा, राइट? चलिए, अब सिनेरियो आता है कि हो सकता है क्वार्टरली हो, ड्राइंग्स जो हैं आपकी क्वार्टरली हो, ठीक है, बिगनिंग में होंगी, फर्स्ट क्वार्टर, क्वार्टर क्या होता है? 3 महीने, जो 3 महीने का जो ग्रुप होता है उसको हम क्वार्टर कहते हैं, मतलब जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर नवंबर दिसंबर। ठीक है, अब अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर है, एवरी क्वार्टर है, तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी? 1 जनवरी को। ठीक है, उसके बाद कितने महीने बचे? 12। उसके बाद जो लास्ट ड्राइंग है, लास्ट ड्राइंग कब हुई होगी? बिगिनिंग ऑफ लास्ट क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर कब होता है? अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 1 अक्टूबर को। तो उसके बाद कितने महीने बचते हैं? 3। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? 6.5। ठीक है, ओ सॉरी 7.5, 15/2, 7.5। ऐसे ही जो मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर है, पहले क्वार्टर में कब ड्राइंग होगी, उसके बाद कितने महीने बचेंगे? 1.5 महीना, ओ सॉरी 9 और 10.5। ठीक है, 1.5 महीना उस क्वार्टर का और आगे गए 9 महीने, प्लस लास्ट टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग कितना होगा? 1.5 मंथ, आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, एंड क्वार्टर एंडिंग का कितना आएगा? 4.5। ठीक है, ये तो हो गया अगर मंथ और क्वार्टरली है। अब अगर सवाल में दिया हो, सवाल में दिया हो कि जो ड्राइंग्स है वो हमने हर महीने की शुरुआत में तो करी, लेकिन सिर्फ 6 महीने के लिए करी, तो उसको हम जो है, जो पीरियड है, जो हम ये टोटल पीरियड ले रहे थे, टाइम आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग और टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो इस पीरियड को जो है वो हम टोटल ही 6 महीने मानेंगे। उससे क्या होगा कि जो आपकी फर्स्ट ड्राइंग है, सपोज कीजिए बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ हम अज्यूम करते हैं यहाँ पे, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना होना चाहिए? 6 महीने। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये आपके 6 महीने हो जाएंगे। आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 महीना डिवाइड बाय 2। आपने पूरा ईयर का कंसिडर नहीं करना है इसमें, इसी चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपको सिर्फ ड्राइंग जो है वो कहा गया है 6 मंथ्स के लिए की गई हैं, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा 3.5। ऐसे ही मिडल में कितना हो जाएगा? 3 और एंड में 2.5, राइट? इतना ही था इसमें, किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, ईमेल आईडी पे आप पूछ सकते हैं, मैंने पहले भी ये शेयर किया है, बाकी हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं, उसमें सपोर्ट में आप क्वेरी रेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। आगे एक कंसेप्ट आता है हमारे पास, गारंटी ऑफ प्रॉफिट, किसको? गिवन टू अ पार्टनर, मतलब अगर जैसे आपके 2-3 पार्टनर हैं, तो आप किसी पार्टनर को
इस कंडीशन पर एडमिट करते हो कि भाई तुम्हें अगर फर्म में प्रॉफिट हो या ना हो तो तुम्हें मैं 10,000 रुपये प्रॉफिट दूंगा ही दूंगा भाई, चाहे फर्म में आपका जो शेयर बनता है वो 10,000 हो या ना हो, ये आपको 10,000 मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो गारंटी है ये कौन दे सकता है, या तो फर्म दे सकती है, ठीक है, या फिर कोई दूसरा पार्टनर दे सकता है। राइट, अगर तो फर्म देती है, अगर तो ये गारंटी जो है वो फर्म देती है, ठीक है, और जो प्रॉफिट है वो इसके शेयर से 10,000 से ज्यादा आता है, मतलब इसका जो एक्चुअल शेयर है वो 12,000 बनता है, तो जैसे ही जैसे आपकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उस हिसाब से आप इसको डिवाइड कर देंगे एज पर रेशियो, ठीक है। लेकिन अगर ये जो प्रॉफिट है, फर्म का जो प्रॉफिट है वो कम है, मतलब इसका जो शेयर है एज पर फर्म्स प्रॉफिट अगर आप उसकी रेशियो में डिवाइड करें तो वो बन रहा है 8,000, तो आप उसको 8,000 नहीं देंगे, आप उसको मिनिमम 10,000 देंगे, और जो बचा हुआ 2,000 है, ठीक है, जो बैलेंस 2,000 है वो कहाँ से आएगा, ये बैलेंस 2,000 ये जो पार्टनर बचे हैं, रिमेनिंग जो पार्टनर हैं वो अपनी रेशियो में अपनी रेशियो से इसको अपनी बराबर की रेशियो से इसको पैसा देंगे। इसको आप दूसरी तरह से भी समझ सकते हैं, मतलब ये जो 8,000 है, ठीक है, इसको आप छोड़ देंगे, इसको आप पूरा 10,000 दे देंगे, और जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, मतलब अगर हम एक्स एज्यूम करते हैं टोटल प्रॉफिट, तो एक्स में से 10,000 जो रुपये है वो हम रिमूव कर देंगे, एक्स माइनस 10,000, और ये जो प्रॉफिट है ये हम इन पार्टनर्स को इनकी रेशियो में, रिमेनिंग रेशियो, डिवाइड कर देंगे। राइट, इसको हम नहीं छेड़ेंगे, इसको पूरा 10,000 दे देंगे, और जो बचा हुआ प्रॉफिट है वो इन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। चलिए, अगर ये अब गारंटी जो है ये दी होती किसी पर्टिकुलर पार्टनर ने, मैं अज्यूम करता हूं कि ए बी और सी ये तीन पार्टनर थे, ठीक है, इक्वली प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, 1:1:1, मतलब 1/3 जो प्रॉफिट है वो सबको मिल रहा है, ठीक है। अब सी को बी ने गारंटी दी थी कि तुझे 10,000 रुपये मुनाफा मिलेगा, ए ने नहीं दी थी, बी ने दी थी, पर्टिकुलर फर्म ने नहीं दी थी, सिर्फ बी ने दी थी, पार्टनर ने दी थी, तो अगर तो प्रॉफिट एक्सेस है तो फिर तो आप एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। लेकिन अगर ये प्रॉफिट जो है ये कम है, मतलब सी का जो शेयर है वो बन रहा है कम, 8,000, तो इसका जो बैलेंस 2,000 है वो बी सेक्रीफाइस करेगा, मतलब अगर इनको 8,000 प्रॉफिट आ रहा था तो इसमें आप 2,000 प्लस कर देंगे और इसमें से 2,000 रुपये माइनस कर देंगे, इनका जो प्रॉफिट बचेगा वो 8,000, 6,000 और 10,000 इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब इस केस में सिर्फ वही पार्टनर पे करेगा जिसने गारंटी दी है, ठीक है। चलिए, पार्टनरशिप में जो इंट्रोडक्टरी आपका लेसन था वो इतना ही था, हमने लास्ट क्लास में कुछ टॉपिक्स कवर करे थे, कुछ टॉपिक्स हमने इस क्लास में कवर कर लिए हैं, ठीक है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अगली क्लास में हम अपना गुडविल का कंसेप्ट कवर करेंगे, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको काफ़ी जगह काम आने वाला है, आपको पार्टनरशिप में भी काम आएगा, आगे चलकर आपको रिकंस्ट्रक्शन में भी काम आएगा कंपनीज की, तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपने बिल्कुल मिस नहीं करना है। राइट, चलिए, थैंक यू वेरी मच।